स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के साथ स्नेह ना टूटे, वह बाप के सहयोगी बनने के ना जाए, इसको सदा स्नेही कहते हैं। और आगे बाबा कह रहे जो प्रीत बुद्धि वाले होते हैं ना, वो है प्रीत निभाते हैं। सो जो प्रीत की रीति निभाने वालों का महत्व बाबा बता रहे, माना जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है वह प्रीत बुद्धि बने हैं, ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है जो अन्य सर्व आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। और जो प्रीत की रीति निभाने वालों वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं और सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पार्ट मिला है। आगे बाबा बता रहे उस स्नेह का सबूत क्या है, जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे ना, ऐसे अपने आप से हमें पूछना है कि सर्व रूपों से सर्व संबंधों से हर रीति से सब कुछ बाप के अर्पण किया है। आगे बाबा कह रहे भगत भी टकते हैं, ऐसे आप लोग भी टकते तो नहीं बनते हो। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुई, कहना एक और करना दूसरा। तो बाबा कह रहे हैं सो हर संकल्प समय और श्वास ज्ञानदन स्थूल दन को अगर कोई भी एक खजाने को मन्मथ से व्यर्थ भी गवाए तो ये ठगत हुई। इसका कारण है जन्म जन्म के संस्कारों के वश होके हम बाबा को ठगते हैं। इसके लिए बाबा निवारण भी बता रहे। सो बाबा कह रहे प्रीत की रीति निभाना और हाई अपने आप को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर एक एक कर्म एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट जितना बाप हाईएस्ट। सदैव अपने ऊंचा नाम ऊंचा दाम ऊंचा काम में तत्पर रहना। सो जो ऐसे रहते हैं ना, वो कोई भी परिस्थिति आई या माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों से भी कभी भी झुकते नहीं है। आगे बाबा फीचर से फ्यूचर दिखाने की विधि बता रहे हैं। सो फीचर से फ्यूचर माना अपने फीचर से उस आत्मा का वह अपना फ्यूचर दिखाना। सो इसके लिए विधि है बिंदी स्वरूप पे स्थित होना, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाना। जब हम ऐसे सजाते हैं तो कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है तो उनका ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित होता है। सो यह तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी है। अगर स्वयं तिलकधारी नहीं तो दूसरों को आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। सभी सदा स्नेही है, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी है। सभी रूपों से सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी है, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी है। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे जैसे बाबा हर रूप से स्नेही और सहयोगी है, ऐसे हम बच्चे भी बाप के साथ हर रूप से सदा स्नेही है और सहयोगी है। आगे बाबा सदा स्नेही का अर्थ बता रहे सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं
जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे, वह एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। सो बाबा पूछ रहे, ऐसे अपने आप को स्नेही सहयोगी समझते हो, खाली ज्ञान है या अनुभवी बने हो? बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, तो बच्चे भी जो बाप समान है उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कब छिप नहीं सकता, कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाने चाहे, लेकिन स्नेह कब गुप्त नहीं रहता। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्नेह कभी गुप्त नहीं रहता। स्नेह किस ना किस रूप में, किस ना किस कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। अभी हम एक सेकेंड अपने आप को चेक करें, अपने आप को दर्पण में देखें। मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई दे रही है। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईना में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, वह जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होता है। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो, अपने आप को चेक करते हो। सो बाबा कह रहे अमृत वेले हर रोज अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से हमें अपने आप को चेक करना है, कहाँ तक में हमारे में लक्षण आई है। किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का व अपना फ्यूचर दिखा सकते हो? लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है। बाबा कह रहे लेक्चर से फीचर्स दिखाना माना जो जो लक्षण बताना, वो तो सभी करते हैं ना, ये तो आम बात है। लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, फीचर से फ्यूचर दिखाना अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं यह दर्पण में देखते हो। जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा, वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं। सो ये है विधि फीचर से फ्यूचर दिखाने के लिए, सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहना, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाना। ऐसे श्रृंगारी हुई मूरत के तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है तो उन्हों को ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। सो ये है लक्षण। सो कोई भी आपके सम्मुख जब आते हैं ना, उन्हों को अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकदारी है। अगर स्वयं ही तिलकदारी नहीं तो दूसरों को आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकते। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जब स्वयं ही तिलकदारी नहीं है तो दूसरों का भी आपका अविनाशी तिलक है ना, आपकी फीचर है वो नहीं दिखा सकते।
जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है। सो ये है प्रीत की रीति निभाने वालों का महत्व। लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं के सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो प्रीत की रीति निभाते हैं ना उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। सभी को मुक्तिधाम में बिठा कर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए जो सारी विश्व के आत्माओं को मुक्तिधाम में बिठा कर सो जो प्रीत की रीति निभाने वाले हैं ना उन बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसी स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पार्ट नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो उनको सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पार्ट है। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। जिसे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ अपने अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो स्नेह का सबूत है सब कुछ अर्पण करना। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्तिधाम में किनारा कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं ऐसे अपने आप से पूछो सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किए हैं? सर्व रूपों से सर्व संबंधों से हर रीति से सब कुछ बाप के अर्पण किया है क्या? सो बाबा पूछ रहे अभी अपने आप को चेक करो। जैसे बाबा स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दे रहे हमें है ना। सो बाबा प्रैक्टिकल करके हमें दिखा रहे स्नेह का सबूत दे रहे। ऐसे हम बच्चे भी सर्व रूपों से सर्व संबंधों से हर रीति से सब कुछ अर्पण किया है सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। तो बाबा अभी सहयोग का बात बता रहे। सदा सहयोगी माना बाप के कर्तव्य में सहयोग देना। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। जहां योग है वहां सहयोग। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो सदा सहयोग माना सदा योग। जहां योग है वहां सहयोग। ये बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी। योगी अर्थात सहयोगी। तो सहयोग से योग को देख सकते हो। योग से सहयोग को देख सकते हो। बाबा कह रहे सो सहयोग से योग को देख सकते हो। योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोग बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी हुए क्या? जो पहला पहला वायदा किया हुआ है उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो तो कि भक्तों मुहाफिक कहां कहां बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हो। सो बाबा पूछ रहे हम तो बाबा को वायदा किया है ना फिर भी हम वायदा तोड़ के कभी कभी ठगते हैं। सो बाबा पूछ रहे भक्तों को कहते हो ना भक्त ठगत है तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो। सो जो पहला वायदा किया ना उसको ब्रेक करके
आप तो ठग तो नहीं बने हो? अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुई, क्योंकि हम बच्चे बाबा को वायदा किया है ना, सब कुछ तेरा तेरा है ना। जब हम तेरे को मेरे समझ कर काम में लगाते हो तो वो ठगत हुई। कहना ये को करना दूसरा, इसको कहां क्या खा जाता है? कहते तो यही हो ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? सो बाबा पूछ रहे, सो ये भी वायदा किया ना आप, तन मन धन सब कुछ तेरा। जब आप तेरा हो गया तो फिर उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको अपने मन मत से काम में कैसे लगाते हो? सो बाबा पूछ रहे, जब आपका अधिकार भी नहीं है तो आप कैसे अपने मन मत से ये तन मन धन को काम में कैसे लगाते हो? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मन मत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं हुए क्या? सो बाबा ठगत का अर्थ बता रहे, संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन और स्थूल धन, कोई भी एक खजाने को मनमत से व्यर्थ गवाए तो ठगत हुआ। उसका कारण है जन्म जन्म के संस्कारों के वश हो जाते हैं, इसलिए हम बच्चे ठगते हैं। यहाँ कहाँ तक रीति चलती रहेगी? सो बाबा पूछ रहे, ये ठगत कहाँ तक कर चलती रहती है? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए, जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वह बाप को प्रिय कैसे लग सकती है? सो बाबा कह रहे, ये ठगना हमको भी प्रिय नहीं है, है ना। सो बाबा कह रहे, जब आपको प्रिय नहीं लगती सो बाप को कैसे प्रिय लग सकती है? सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीति निभाने वाले बने हैं। सो एक मिनट अपने आप को चेक कीजिए, मैं कहाँ तक प्रीत की रीति निभा रही हूं? सो बाबा कह रहे हैं, अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो। जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उन्होंने का एक-एक कर्म, एक-एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचा है। सो ये है विधि, है ना। सो हमें भी ठगना अच्छा नहीं लगता, सो इसके लिए विधि है बाबा से प्रीत का रीति निभाना, और सेकेंड है अपने आप को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझना। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका दाम, ऊंचा काम है। तो जो हाईएस्ट है वह भी सदैव अपने ऊंचा नाम, ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर हो। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सदैव अपने ऊंचा नाम, ऊंचा दाम और ऊंचे काम में तत्पर रहना। कोई भी नीचाई का कार्य कर ही नहीं सकते। सो बाबा कह रहे, जब हम हाईएस्ट और होलीएस्ट में स्थित होकर रहते हैं ना, तब कोई भी नीचाई का कार्य हम नहीं कर सकते। जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उसको महान आत्मा कह जाता है। जो आजकल के ऐसे ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्मा ये, जो बाप की चुनी हुई आत्मा ये है, विश्व के राज्य के अधिकारी है, बाप के वर्षे के अधिकारी है, विश्व कल्याणकारी है, ऐसी आत्मा ये कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हैं? सो बाबा पूछ रहे,
आप इतना श्रेष्ठ हो, है ना, हम बाप के चुने हुए आत्मा ये है और विश्व के राज्य अधिकारी है और बाप के वर्षे के अधिकारी है, विश्व कल्याणकारी है। हम माया के सामने अपने आप को झुका सकते हैं क्या? आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने तो आप महान आत्माओं की कॉपी की है, तो ऐसे श्रेष्ठ आत्मा ये कहा भी किसी रीति झुक नहीं सकती। वे झुकाने वाले हैं ना कि झुकने वाले, कैसा भी माया का फोर्स हो लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ झुक करके भी दिखा देखते हो, जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, प्रजा भी झुकेंगे, द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे। आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते रहते हैं ना, अगर यहाँ अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त ना किए, थोड़े भी झुकने का संस्कार रह गए, तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहेंगे। लक्ष्य क्या रखा है? झुकने का व झुकाने का। सो कौन सा लक्ष्य है? हम माया को झुकाते हैं ना झुकने वाले हैं, ये ना हमारा लक्ष्य, जो अपनी ही रची हुई परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, उनको हाईएस्ट कहेंगे क्या? सो बाबा कह रहे आप अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक होलियस्ट भी नहीं बन सकते। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलियस्ट कहा जाता है। ये संपूर्ण निर्विकारी ही होलियस्ट है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, वह उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे क्या? सो ये है संपूर्ण निर्विकारी का डेफिनेशन। अगर स्वप्न दोष भी है व संकल्प में भी विकार के वशीभूत है तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए है। ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो व बन गई हो। जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे। अगर कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहता है तो ऐसी आत्माओं का फिर गायन भी अल्पकाल का ही होता है। तो बाबा कह रहे इस संपूर्ण निर्विकारी स्थिति है ना, उसको हम बहुत काल का समय से हमें प्रैक्टिस करनी है उस स्थिति में स्थित रहने का। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर इसी स्थिति को पा लेंगे, लेकिन नहीं, बहुत समय जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलियस्ट और हाईएस्ट बनाओ। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। सो ये है चेकिंग पॉइंट। कोई भी कर्म करते हो तो अपने आप को चेक करो, जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो क्या होगा? अपने नाम को बदनाम करते हो, क्या होगा? अपने नाम को बदनाम करते हो, क्योंकि हमारा नाम है होलीएस्ट और हाईएस्ट। तो ऐसे कोई भी काम नहीं हो, यह लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो। जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाते जाएंगे। अगर एक बार भी
कोई नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से भी ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा। सो अपने आप से पूछो, कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा। तो संकल्प भी साधारण ना हो, इंपॉर्टेंट लाइन है, एक भी संकल्प भी साधारण ना हो, सदा हाईएस्ट। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान ना हो, जब नाम निशान ही नहीं तो फिर काम कैसा होगा। जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता है, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ऊंचा नाम ऊंचा काम करने वालों को नमस्ते, ऐसे ऊंचे बनाने वाला बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शांति, थैंक यू पद्मा सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। सो लक्षण बाबा ने बताया है ना, प्रीत केंद्रित निभाने वालों का फ्यूचर्स कैसे होना है, हमारा फ्यूचर्स कैसे होना है उसके बारे में बाबा ने बताया। सभी बता सकते हैं क्या कहा बाबा ने। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि, पूछा बाबा ने कि जब सदा सहयोगी व सदा स्नेही रहते हो बाबा के, कि जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे, एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। तभी बाबा ने कहा कि आपकी सूरत में जो बाबा के प्रति स्नेह होगा, बाबा के प्रति सदा सहयोगी सदा स्नेही रहेंगे, तब सूरत को अपने दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत में, मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। ओम शांति। जी, उसका लक्षण क्या है बाबा का सीरत हमारे हमारे से दिखाई दे, के लिए क्या कहा बाबा ने, कैसे कैसे होते हैं हमारा सूरत।
हमारे सूरत से बाबा का सीरत दिखाई देना है जी। बाबा ने कहा कि हमारे फीचर्स से फ्यूचर दिखाना है, यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। जैसे बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहें, और जो दिव्य गुण है वो जब धारण करेंगे तो हमारी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई देगी। तो जो ज्ञान की धारणा होगा, योग की धारणा होगी, तो दिव्य गुण स्वतः ही आते रहेंगे, और स्वतः स्वतः आत्मिक स्थिति में जब रहेंगे तो सभी का ध्यान, जब स्वयं बाबा कहते हैं कि आप आत्मिक स्वरूप में रहोगे तो वो भी आपके हमेशा अविनाशी तिलक की तरफ ही आकर्षित होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं सदा तिलकधारी बनो, आत्मिक स्थिति में रहो, बाबा की याद में रहो, तो रूहानियत चेहरे पे आएगी। उससे अन्य आत्माओं को लगेगा कि एक नशे में है, रूहानी नशे में है, तब फिर बाबा की सीरत उसमें प्रत्यक्ष होगी। ओम शांति। जी और भी शेयर कर सकते हैं, और भी पॉइंट्स है बाबा ने बताया ना, एक फीचर से ना सदस्वती का स्वरूप तिलक लगाई पहनना और दिव्य गुणों का धारण करना, माने संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, हाईएस्ट और होलीएस्ट स्थिति है ना। हमारा संकल्प में भी साधारणता या विकल्प न रहे, है ना, संपूर्ण पवित्रता धारण करना। और बाबा ने कहा ना, कोई भी विकार के आकर्षित या वशीभूत न रहना स्वप्न में भी, ये हमारा फीचर होना चाहिए, तब बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि परसेंटेज में भी कोई विकार की तरफ आकर्षण ना जाए, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो स्थूल रूप में मोटे, लेकिन इसके सूक्ष्म रूप में परसेंटेज में मतलब पॉइंट में भी परसेंटेज में भी विकार की तरफ आकर्षित ना हो, तो तभी संपूर्ण निर्विकारी बन के होलीएस्ट और हाईएस्ट बनेंगे। और तो आपका तन मन धन समय संकल्प, अगर कोई भी एक खजाने को अपनी मनमत से व्यर्थ भी गवाते हो तो बाबा ने कहा ये तो फिर ठगी हुई, तो प्रीत की रीत निभाने वाले बने हो। तो इस तरह बाबा ने हमको संपूर्ण समर्पण करना, अर्पण करना, पूरा है ना, तगत नहीं बनना हमारे के लिए, हमारा विघ्न के लिए हम पुरुषार्थ नहीं करना है। लास्ट टाइम बाबा ने बताया न, सब कुछ विश्व कल्याण के लिए हमें समर्पित करना होता है, तन मन धन संबंध संपर्क सब जो भी मिले हैं खजाना, और बाप के प्रति बाबा का कार्य के प्रति ही लगाना, हमारे खुद के प्रति लगाए तो वो ठगी हो गया। और हाँ दीदी, इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो हमें अपने संकल्प जिससे वृत्ति हमारी श्रेष्ठ होगी, तो दृष्टि कृति, तो इसीलिए स्मृति श्रेष्ठ हो तो दृष्टि कृति वृत्ति सब श्रेष्ठ होने लगी। ओम शांति। तो इसलिए स्मृति ना बाबा ने कहा, जैसे बाप का नाम दाम ऊंच है वैसे हमारा भी सब कुछ ऊंच होना चाहिए। सो इतना है ना, ये फीचर्स हमारे अंदर रहना चाहिए जी। अरुण दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं हाईएस्ट समझ कर चलते हैं तो उनको एक एक कर्म एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचते ऊंच है। बाप की महिमा गाते ही ना ऊंचा, उनका नाम ऊंचा, उनका दाम ऊंचा, दाम ऊंचा तो जो हाईएस्ट है वो भी सदैव अपने ऊंच नाम ऊंचे धाम और ऊंचे काम से तप्तर रहते है, कोई भी नीचाई का कर्म कर ही नहीं सकते है। ओम शांति। है ना, सो नीचे काम हम कर नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते, है ना, हम झुकाने वाला है। सो इतना हम श्रेष्ठ रहना है, हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना है। चंदन भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने हाईएस्ट और होलीएस्ट के लिए बाबा ने एक लाइन ज्ञान कहा है कि संकल्पों में भी स्वप्न दोष ना हो, विकार से वशीभूत परे हो, तो इसके लिए
क्या डीप चेकिंग करना चाहिए या सरल अभ्यास क्या करना चाहिए? आप लोग कोई प्रयोग करते हैं वह इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ बताइए ना। बाबा ने सब बोल से हमने तो बताया है, पर्टिकुलरली क्या अभ्यास करना भी हम दूर ऐसे हाईएस्ट टू बेस्ट जी कोई शेयर करना चाहेगा क्या पुरुषार्थ करें संपूर्ण निर्विकार स्थिति के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। बाबा बोला जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे, ऐसे आपने को होलीएस्ट एंड हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशानी ना हो, जब नाम निशाना ही नहीं तो फिर काम कैसे होगी? जैसे भविष्य में विकार का नाम निशाना नहीं होता है, ऐसे ही हाईएस्ट एंड होलीएस्ट अभी से बनाओ, तो अब अनेक जन्म चलते रहेंगे। ओम शांति जी। थैंक यू जी। बताइए भाई जी ने प्रश्न पूछा ना, संपूर्ण निर्विकारी स्टेज कैसे प्राप्त करें? क्या पुरुषार्थ करना चाहिए उसके लिए? संपूर्ण तन मन धन सर्व समर्पित जी, समर्पण बुद्धि। अच्छा और विकार का जन्म कहाँ होता है, कैसे होते, कब होता है? देही अभिमानी रहते हैं तो। अच्छा संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति और इच्छा से, इच्छा मात्र अविद्या में बनना है, विकार का जन्म ही इच्छा से होता है। सो इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में हम स्थित होना है, उसके लिए देह बनी स्थिति देवता स्वरूप का स्थिति है ना, ये वही बार बार प्रैक्टिस करना। संपूर्ण सर्व प्राप्ति की स्थिति का हम अनुभव करें अभी यहाँ है ना। सो बाबा ने कहा ना, हर पल हर वक्त बाबा का साथ, अतीन्द्रिय सुख में मन सदा चुमते रहे, तब हम संपूर्ण निर्विकार स्थिति को पा सकते हैं। और कोई प्रश्न मैंने नहीं तो प्लीज शेयर करना। और किसी का है? बहुत सारे बातें हो सकते हैं है ना, संपूर्ण पवित्रता के लिए। डॉक्टर सचिन भाई का जी, भाई का भी बहुत सारा क्लासेस इसके ऊपर उपलब्ध है, उसको भी आप सुन सकते हैं है ना। ब्रह्मचर्य व्रत का नियम वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ वो ब्रह्मचर्य के नियम तोड़ता है उसको भी हम ध्यान में रखना है। नीलम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। मैं एक पॉइंट बताना चाह रही हूँ। बाबा ने आज कहा है कि स्वप्न मात्र भी कोई विकार अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, तुम पास भी डोनर नहीं बन सकते। इसलिए दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो स्वप्न भी अच्छे अच्छे आएंगे, बाबा के मिलन के स्वप्न आएंगे। इसलिए कोई भी विकार तुम्हें स्वप्न में तंग ना करे, इसके लिए हमें बाबा के साथ संपूर्ण रीति से योग रखना है। ओम शांति। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। अभी टाइम हो गया है हमारा, पद्मा सिस्टर आप हमें होमवर्क देना और योग भी कराना। थैंक यू। उसके साथ साथ हम पोल का भी आंसर देंगे। ओम शांति। आज हम यही होमवर्क लेंगे कि हम बाप दादा से संपूर्ण रीति प्रीत का रीति निभाएंगे। सो बाबा ने जो स्नेह का सबूत
बाबा ने कहा ना सर्व रूपों से सर्व संबंधों से हर रीति सब कुछ अर्पण करना, तेरे को मेरे में अर्पण करेंगे और अपने को सदा हाईएस्ट और होलियस समझकर चलेंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। इस प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा से सर्व शक्तियों की रंग बिरंगे किरणें निकल रही है, महसूस कीजिए। ओ सर्व शक्तियों के रंग बिरंगे किरणें विश्व में छाए विकारों के अंधकार को समाप्त कर रही है। संपूर्ण निर्विकारी बना रही है। ओ सर्व शक्तियों के किरणें संसार की सर्व आत्माओं के दुख संताप पीड़ा बीमारियों को दग्ध कर रही है। अशांति चिंता उदासी पुराने स्वभाव संस्कार के प्रभाव से वो सर्व आत्मा को मुक्त करा रही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सदिका कॉलेज चुपने के लिए और शुक्रिया। ओम शांति दादा। थैंक्स परिवार। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी। थैंक यू।